दोस्तों मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर पानी डाल के वाटर टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से ये पानी से मैट्रेस को प्रोटेक्ट करता है। देखिए इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया है, देखिए पानी इसके ऊपर फैल रहा है। देखिए इस तरीके से पानी इसके ऊपर फैल जाएगा, जब ज्यादा अगर पानी इसके ऊपर गिरता है तो इस तरीके से ये फैलेगा और मैट्रेस को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट किस तरीके से करता है, प्रोटेक्टर को हम रिमूव करके आपको दिखाएंगे कि मैट्रेस गीला हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ये ऊपर की जो सरफेस है यहाँ पे फैल रहा है पानी, ऊपर की सरफेस में यहाँ पे देखिए इतना सारा पानी जमा हुआ है, देखिए ये नीचे नहीं गया है। आमतौर पे जो वाटर रेजिस्टेंस प्रोटेक्टर आते हैं वो अगर इस तरीके से उसके ऊपर पानी गिरता है तो 2 घंटे या 3 घंटे तक पानी या मॉइस्चर नीचे नहीं जाता है, अदरवाइज 2-3 घंटे के बाद जो मॉइस्चर का हिस्सा होता है थोड़ा बहुत वो मैट्रेस के ऊपर जाता है। वाटर प्रूफ जो प्रोटेक्टर आता है उसके अंदर पानी जाता ही नहीं है नीचे, तो वाटर प्रूफ से अच्छा है वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि वो एयर सर्कुलेशन वाला होता है। अब इसको हम 10 मिनट्स तक रहने देते हैं, बाद में हम मैट्रेस प्रोटेक्टर को रिमूव करके देखेंगे कि मैट्रेस के ऊपर पानी गया है कि नहीं गया है, मैट्रेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है। दोस्तों 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम प्रोटेक्टर को रिमूव करते और देखते क्या हुआ है प्रोटेक्टर के साथ और मैट्रेस के साथ। देखिए ये आगे का हिस्सा है, देखिए मैट्रेस पे कुछ भी मॉइस्चर नहीं लगा है, देखिए पूरी तरीके से प्रोटेक्टर ने मैट्रेस को प्रोटेक्ट किया है अगेंस्ट वाटर। देखिए ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे भी माइन्योर अगर हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो थोड़ा ठंडा लग रहा है, मगर यहाँ पे कुछ भी गीला नहीं हुआ है देखिए। और बैक साइड फ्रंट साइड में देखिए यहाँ पे ये पूरा गीला हो गया है। अगर इस तरीके से पानी गिरता है प्रोटेक्टर के ऊपर तो प्रोटेक्टर को आपको धूप में आमतौर पे नहीं सुखाना है, नॉर्मली आपको कहीं पे भी आप सुखा सकते हो, फैन के नीचे या तो फिर बाहर भी सुखा सकते हो, मगर वहाँ पे ऑलमोस्ट सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। अगर सनलाइट आएगी तो क्या होगा, नीचे का जो इंसुलेटर है इसकी पपड़ी निकल जाएगी आफ्टर यूज़, 1-1.5 साल के अंदर इसकी पपड़ी निकल जाएगी अगर आप सनलाइट में सुखाते हो तो, अदरवाइज इसका लाइफ है वो ऑलमोस्ट मोर देन 200 वॉट्स तक इसको कुछ नहीं होता है, तो सनलाइट में नहीं सुखाना है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से अगेंस्ट वाटर मैट्रेस को किस तरीके से प्रोटेक्टर है वो प्रोटेक्ट करता है। यह प्रैक्टिकल डेमो था ताकि आपको आइडिया आए किस तरीके से मैट्रेस को यह प्रोटेक्ट करता है।